हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम हॉकी इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे और वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं डील करता हूँ हॉकी में भी, और हॉकी में मेरे पास है अल्फा और रक्षक। अल्फा के हम ऑथराइज डीलर भी हैं, अल्फा और रक्षक दोनों के। बेसिक रेंज अगर हम बात करें तो बेसिक रेंज जो स्टार्ट होती है वो हमारी यहाँ से हो जाती है, वुडन से। ये एक वुडन हॉकी है और इसका रेंज ये 800 MRP से स्टार्ट हो जाता है। 530 की हमारी अगर हम हॉकी की बात करें तो ये इसकी जो MRP पे लेस होता है, MRP जो इसकी शुरुआत होती है, अगर हम फाइबर की बात करें तो 2400 MRP से स्टार्ट होता है, 19000 MRP तक जाता है। और हमारे पास हर लेवल की हॉकी अवेलेबल होती है। अब जब से अच्छा परफॉर्म करने की वजह से बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ गया है आपका हॉकी का। नहीं भाई, जैसे नए प्लेयर अगर स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें? जो देखिए, जो नया प्लेयर स्टार्ट करेगा वो वुडन से स्टार्ट करेगा। स्टार्टिंग होता है वो गलत स्टिक भी खेलता है, गलत जगह, दो जगह लगती भी है, तो उसमें टूटने का डर ज़्यादा होता है। तो उससे बेसिक जो रेंज स्टार्ट होती है वो होती है हमारी वुडन से। उसके बाद बेसिक क्वालिटी आती है, बेसिक में कार्बन स्टार्ट हो जाती है जिसमें 10% कार्बन होता है, 90+ कैलिबर होता है। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो प्लेयर अच्छा खेलता जाता है वैसे वैसे आप उसको कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है और हॉकी लाइट होती जाती है। स्टार्टिंग रेंज अगर हम बात करें ग्रेफाइट कार्बन की हॉकी की बात करें तो 2500 MRP से स्टार्ट होती है, एक अच्छा लेस मिल जाता है। हम रक्षक के भी डीलर हैं, रक्षक में कैटेगरीज आती है काफ़ी। रक्षक चीपेस्ट होने की वजह से ज़्यादा सेल होता है। इंडिया का मेन ब्रांड वो अल्फा ही है हॉकी में। जी हाँ, और इसमें रक्षक में भी हम कई तरीके कई कैटेगरीज रखते हैं। इसमें MT65 से स्टार्ट होती है, ये कार्बन है, कॉम्पोजिट कार्बन जिसे कहते हैं। जो अगर हम इसकी MRP की बात करें तो 1800 MRP से स्टार्ट हो जाती है और 2500 2600 MRP तक जाता है। हमारी एक गोल कीपर किट, ये 12 सामान की एक किट बनी हुई होती है गोलकीपर की। ये हॉकी पैड्स होते हैं, ये आपका चेस्ट गार्ड है, ये चेस्ट गार्ड होता है, ये आपका निक्कर होता है जो आपके थाइस को सपोर्ट करता है, ये होते हमारे हैंड ग्लव्स होते हैं, ये प्रॉपर मोल्डेड किट है जो आपके आपके खुद को इसके अंदर एडजस्ट कर लेगी। ये आपका सपोर्टर होता है, ये आपका है फ्लिकर, इसे फ्लिकर कहा जाता है, फुट फ्लिकर। ये शूज़ के ऊपर ही डाला जाता है, कवर्ड है पूरा ही। ये इसका टी शर्ट्स और शॉर्ट्स होता है क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज में आता है, क्योंकि ये चीज़ कवर करने के लिए उसके ऊपर डालने के लिए। ये आपकी ये गोली किट गोली हॉकी होती है, गोल कीपर के लिए प्रॉपर हॉकी कीपर के लिए अलग। जी हाँ बिल्कुल, उसकी बहुत लाइट वेट होती है, बहुत लाइट वेट। ये कॉम्पोजिट कार्बन होती है और ये हमारा किट बैग होता है। इस किट बैग के अंदर 12 सामान आते हैं, 12 सामान की किट बनती है आपकी गोली पर। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी MRP 28000 है। इसमें भी कई क्वालिटीज आती हैं, 1,10,000 तक की किट है इसके अंदर। लेस वही जो हॉकी पे लेस होता है वही किट पे लेस होता है, 20-25-28% लेस मार्केट चली आप। हॉकी बॉल, टर्फ बॉल, अल्फा सुप्रीम, 118 इसकी MRP होती है, लेस वही रहेगा। अब ये जो लोग टर्फ में खेलना चाहते हैं उसके लिए प्लेन बॉल आती है, प्लेन जिसमें ये डॉटेड नहीं होते, और जो लोग ग्रासी में खेलते हैं उनके लिए ये बॉल यूज़ होती है। ये क्रिकेट लॉकिंग में भी यूज़ होती है, बैट लॉकिंग में यूज़ होती है आजकल। तो बॉल है तो एक तरह की सिंथेटिक बॉल ही, तो ये बैटिंग क्रिकेट बैटिंग नॉकिंग में भी यूज़ होती है। तो सनी भाई, अगर किसी को ऑनलाइन जैसे हॉकी इक्विपमेंट्स या किसी भी स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट्स अगर ऑनलाइन मंगाना है तो क्या आप ऑनलाइन? जी, मेरा नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा, आप मुझे कॉल करिए। कोई दुनिया के किसी भी कोने में, खाली इंडिया नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सनी भाई। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थे सनी जिन्होंने अभी आपको हॉकी इक्विपमेंट के बारे में बताया। और आप कहीं भी वर्ल्ड वाइड अपना ऑर्डर अगर शिपिंग करवाना है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो में।
हैं।